हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान स्टोर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। शॉर्ट में इसको AOI भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना सीखेंगे। और नॉर्मली जो क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो एप्लीकेशन के फॉर्म में होगा, लैंग्वेज के फॉर्म में होगा, वो आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कर्व के फॉर्म में। और उस कर्व में जो आपको शेडेड रीजन होगा उसका एरिया फाइंड करना है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आज आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर कराने वाला हूं। तो आपको विदाउट स्किप स्टार्टिंग से एंड तक के पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है कि किस तरह क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, और देखो इस तरह क्वेश्चन पढ़े या नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो चेक करना आपको। और आई होप अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखी तो डेफिनेटली आपको एक एक चीज क्लियर होने वाली है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, और डेफिनेटली आप बोर्ड के क्वेश्चन को चुटके उड़ाने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन लिखा हुआ, देखिए यहां पर। अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, देखिए यहां पर पढ़ेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन के बारे में। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें। देखिए सपोज आपको एक ऐसे कर्व गिवन है, ठीक है, और ये इसका इनिशियल पॉइंट आपने यहां फिक्स कर लिया। सपोज ये आपका फिक्स हो गया, ये आपका है इनिशियल पॉइंट, दिस इज एक्स इक्वल टू ए, ये आपका एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है यहां पर, और ये आपका है एक्स इक्वल टू बी, ये आपका है एक्स इक्वल टू बी। तो आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है, ये वाला शेडेड रीजन फाइंड करना है आपको, इसका एरिया फाइंड करना। तो ये फंक्शन आपका है fx। अब देखिए यहां पर आपको जो शेडेड जो रीजन गिवन है, ये आपको शेडेड रीजन गिवन है, ये देखिए ना तो ये आपका रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल भी नहीं है आपका, ये आपका स्क्वायर भी नहीं है, ये आपका क्यूबॉइड भी नहीं है, ठीक है। तो यहां नॉर्मली 2D कोई भी आपका फिगर नहीं है, ठीक है, 3D अलग वॉल्यूम के लिए हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो कोई सा भी फिगर नहीं बन रहा है। नॉर्मली अगर फिगर कुछ बन रहा होता है उसका फॉर्मूला पता होता है। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर ऐसा कोई फिगर या फिक्स नहीं है कि बन क्या रहा है। तो अगर ऐसा केस अगर आ गया तो ऐसे केस में आप इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सेट रीजन कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इसके लिए कट करते हैं स्ट्रिप। एक रेक्टेंगल शेप में आप छोटी सी स्ट्रिप कट करेंगे, देखिए आपकी स्ट्रिप कट कर रहे हैं आप यहां पर, ये आपने छोटी सी स्ट्रिप कट कर दी यहां पर, ठीक है, थोड़ा डार्क कर देता हूं इसमें। देखिए ये आपने छोटी सी स्ट्रिप कट की है इसमें, पर आपको पता है स्ट्रिप की मैं बात करता हूं, देखिए ये क्या होती है आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी होती है वाई एक्सिस। अब देखिए अगर मैं एक्स के कंपेयर करूंगा तो देखो ये क्या होगी आपकी डेल्टा एक्स, क्योंकि dx हो जाएगी, सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है इसकी एक्स है, और ये तो क्या होगी शॉर्ट, देखो एक्स वाई बहुत शॉर्ट आपकी डिस्टेंस, ये क्या होगी आपकी dx, और ये लेंथ क्या हो जाएगी आपकी वाई। तो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपने कर लिया एल इंटू बी। तो लेंथ क्या आपकी यहां पर आपको लेंथ गिवन है वाई, ब्रेथ गिवन आपको डी एक्स, और लिमिट कहां से स्टार्ट है आपकी, ए से बी तक आपकी लिमिट स्टार्ट है। तो इस तरह से आप शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो आप उसमें छोटी सी स्ट्रिप कट करेंगे, स्ट्रिप रेक्टेंगल के शेप में होगी, और आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप देखें लेंथ क्या है इसकी, लेंथ आपकी वाई एक्सिस पर आपकी वाई हो जाएगी, ठीक है, और ये ब्रेथ आपकी क्या हो जाएगी डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स के कंपेयर डेल्टा एक्स क्या होता है, बहुत शॉर्ट क्वांटिटी है। तो आप इस तरह से आप किसी भी डिफरेंट टाइप के रीजन का एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसका आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, ये फिगर भी फिक्स नहीं है कौन सा फिगर है, आप इजीली से फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, यहां से क्या है ए टू बी वाई डी एक्स आपका एरिया शेडेड रीजन का आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहां से। और देखते हैं अगर ऐसा हुआ तो, सपोज आपको रीजन ऐसा मिल गया, ये आपको रीजन गिवन है, सपोज ये आपका देख कहां से, यहां से स्टार्ट है आपका, ये सपोज आपका इस तरह से, तो ये आपका वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू बी हो जाएगा आपका। तो आपको इस शेडेड रीजन फाइंड करना है, ये वाला सारा शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। तो इस शेडेड रीजन कैसे फाइंड करते हैं समझेंगे, ध्यान से देखिए।
तो इसके लिए भी क्या करना, कुछ एक छोटी सी रेक्टेंगल की शेप में के स्ट्रिप कट करनी है आपको। ये आपने स्ट्रिप कट कर ली रेक्टेंगल की शेप में, इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये आपने स्ट्रिप कट कर दी इसके अंदर, ये आपने स्ट्रिप कट कर दिया। फंक्शन क्या आपका एफ एक्स। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल सा समझिएगा, अगर आपको किसी भी शेडेड रीजन का जो फिक्स नहीं है कि कौन से सेफ है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपको एरिया फाइंड करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लिमिट क्या स्टार्ट है, आपकी लिमिट स्टार्ट है ए टू बी, और यहां से क्या आएगा आपका एफ एक्स और डी एक्स। तो यहां पर देखिए लेंथ देखो ए से बी स्टार्ट, लिमिट क्या आपके ए से बी पर एंड हो रहे हैं। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ एक कौन सी एक्सिस पर आएगी, इसकी लेंथ आ रही है एक्स एक्सिस पर, तो ये आएगा एक्स। और यहां पर देखिए इसकी ब्रेथ किस पर है, वाई पर, देखिए ये आएगा डेल्टा वाई, तो आपका डी वाई एक्स इंटू डी वाई। अगर आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि अगर लिमिट किसकी है वाई की, देखो वाई इक्वल टू ए से वाई इक्वल टू बी तक ही बने, तो लिमिट यहां पर वाई की है, तो यहां पर क्या आएगा आपका डी वाई। अगर लिमिट आपकी एक्स की बने तो यहां पर क्या आएगा डी एक्स। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर यहां पर एक्स है तो यहां पर क्या आएगा डी वाई। और आप प्रीवियस में देखते हैं यहां पर क्या होगा y इंटू डी एक्स, लिमिट किसकी है x की, क्या होगा dx, ये अपोजिट आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर फाइंड कर सकते हैं आप शेडेड रीजन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, देख इसे क्या कर सकते हैं आप, लिमिट रहेगी a टू b, फंक्शन क्या आपका एफ एक्स और ये आपका dx, ये आपका फंक्शन जो भी होगा उसका कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर ये y में है तो आप कर लेंगे डी वाई, तो यहां से एफ बाई डी वाई। ठीक है, आप इसे समझे, ये ज्यादा बेटर है। लिमिट अगर x की है तो क्या आएगा dx, अगर लिमिट आपकी y की है तो क्या आएगा dy। ठीक है, तो इस तरह का आप सेट रीजन फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज सेट रीजन कुछ ऐसा आ गया, सपोज आपको ये सेट रीजन मिल गया, सपोज ऐसा आपको ये सेट रीजन मिल गया, अब मुझे सेट इसका एरिया फाइंड करना है मुझे। ये भी आपका सेट रीजन है कंप्लीट। ठीक है, यहां तक स्टार्ट है, यहां पर इसका एंड कर दिया मैंने, यहां पर चल देंगे। ये एरिया फाइंड करना है मुझे, तो मैं इसका एरिया कैसे फाइंड करूंगा। ठीक है, तो इसे आप लेट कर लो एफ एक्स और इसे आप लेट करेंगे जी एक्स। तो यहां से आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए यहां से आपकी लिमिट अगर लेट करते हैं तो ये आपका होगा एक्स इक्वल टू ए और ये आपको हो जाएगा एक्स इक्वल टू बी, दिस इज एक्स इक्वल टू सी। ये आपका एक कहां से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट था, ए टू, यहां से क्या ए टू बी, बी टू सी, आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर ना तो कोई रेक्टेंगल बन रहा है ना कोई स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे रेक्टेंगल शेप में और स्ट्रिप के थ्रू आप शेडेड रीजन फाइंड कर पाएंगे। देखिए अगर यहां पर मैं नॉर्मली में ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे यहां पर छोटा स्ट्रिप कट कर लिया, देखिए इस तरह से यहां पर मैंने छोटा स्ट्रिप कट किया रेक्टेंगल शेप में। अब देखिए यहां पर स्ट्रिप, देखिए लेंथ क्या है, इसकी लेंथ होगी वाई एक्सिस, देखो एक्स, देखो ये आपकी है एक्स एक्सिस, लिख देता हूं ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी है वाई एक्सिस। और अब देखिए आपकी जो लेंथ है वो लेंथ किस पर है, वाई एक्सिस पर है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये क्या रेक्टेंगल शेप में है तो लेंथ क्या होती है, यहां पर लेंथ हो जाएगी वाई, लेंथ वाई इंटू ये क्या होगा आपका ब्रेथ होगी डी एक्स। और लिमिट के बने आपको ए टू बी प्लस, फिर आप करेंगे सी टू, देखो यहां पर क्या है बी टू सी लिमिट लेंगे आप, सेम यहां पर आप स्ट्रिप कट करेंगे और यहां पर आपके स्ट्रिप कट करने पर क्या है रेक्टेंगल बन रहा है, देखिए रेक्टेंगल शेप बनेगी आपकी। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है इसकी वाई पर है, वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, क्योंकि ब्रेथ इसकी एक्स होगी। और इस पर लगाएंगे मॉडुलस, आप मॉडुलस क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका देखिए यहां पर y क्या होगा आपका, y आपका होगा नेगेटिव। तो अगर y नेगेटिव पूरा पार्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव, और आप अच्छे जानते हैं एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप ये समझो अगर आपका ये शेडेड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो आपको हर बार ये क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। अगर आपको लग रहा है थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट इस तरह से, तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे मॉडुलस, तो आप सेलेक्ट कर लो ए वन एरिया वन, तो इसका आप ले लेंगे मॉडुलस प्लस, यहां पर आप लेंगे ए टू, तो ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होता है पॉजिटिव,
तो इस तरह से आप सेट डिवीजन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा इसमें। अगर सपोज ऐसा रीजन मिल गया आपको, अब सपोज ऐसा रीजन मिल गया आपको, सपोज ऐसा, अब आपको ये सेट डिवीजन फाइंड करना, तो कैसे सेट फाइंड करेंगे? देखिए सपोज ऐसा एक कर्व के बने आपको, ये सेट डिवीजन आपको फाइंड करना है। एक सेकंड दोबारा लिख लेते हैं इसको, देखिए ये आपको सेट डिवीजन, ये रीजन फाइंड करना आपको। देखिए तो आप ये सेट डिवीजन कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉलम देखो कौन सा कॉलम यूज करेंगे, देखिए आप तो समझेंगे ध्यान से, क्योंकि ये फिक्स कोई कर्व ऐसा तो है नहीं कि आपको रेक्टेंगल हो इसका फॉर्मूला आपको पता हो, इसको फॉर्मूला आपको नहीं पता है। तो आप इसे लेट कर लो एफ एक्स और आप इसे लेट कर लो जी एक्स। तो आपको ये सेट डिवीजन फाइंड करना, तो सेट डिवीजन कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट वाला कर्व क्या आपका एफ एक्स और नीचे वाला कर्व क्या आपका जी एक्स। तो ऊपर वाले कर्व में से क्या करेंगे आप, नीचे वाले कर्व को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बने। तो आप समझेंगे, देखिए ये वाला रीजन अनशेडेड और शेडेड, ये पूरा रीजन किसके अंडर में, एफ एक्स के अंडर में। आप देखिए यहां से ये अनशेडेड वाला पार्ट और शेडेड वाला पार्ट, पूरा जो रीजन है ये आपका एफ एक्स के अंडर में आएगा, और ये अनशेडेड वाला जो रीजन है, अनशेडेड वाला जो रीजन हो क्या होगा, ये आपका होगा जी एक्स के अंडर में। अगर आप एफ एक्स के रीजन में से, एफ एक्स के एरिया में से अगर जी एक्स का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यहां से आपका फॉर्मूला क्या करें, लिमिट तो सेम रहेगी, यहां पर लिमिट रहेगी आपको ए टू बी। तो यहां पर क्या करें आप स्ट्रिप कट करते हैं, स्ट्रिप तो यहां पर क्या आएगा आपका, देखिए स्टेप आपने कट कर दी सपोज, तो यहां पर देखिए क्या आएगा आपका स्टेप कट करने पर, तो यहां से आपके लिमिट तो पता लग गई, तो यहां से लिमिट तो किसकी है एक्स की, तो यहां पर क्या डी ए कन्फर्म है डी एक्स आएगा, तो आप लिख दिया डी एक्स। तो फर्स्ट वाला कर्व क्या आपका एफ एक्स, तो एफ एक्स में से आप जी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्लियर है कि नहीं है, दोबारा समझेंगे ध्यान से। आपका ऊपर जो कर्व आ रहा है वो आपका आ रहा है एफ एक्स, और ये जो रीजन है शेडेड और अनशेडेड, ये पूरा रीजन किसके अंडर में, आपका एफ एक्स के अंडर में, और अनशेडेड वाला क्या है जी एक्स के अंडर में। अगर आप एफ एक्स के होल रीजन में से जी एक्स का रीजन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या जाएगा, ये आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। दोनों की लिमिट क्या है, ए टू बी लिमिट सेम है, तो मैंने क्या देखा एफ एक्स में से जी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने का करते हैं उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अलग कर सकते हैं चाहे तो आप एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स करेंगे, लिमिट सेम है और सब्ट्रैक्ट करने का आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप। यहां पर और समझ लेते हैं थोड़ा सा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है आपकी जो समझने लायक है। सबसे पहली बात, क्योंकि मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं फिर बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आए, अगर एक्स की पावर वन और वाई की पावर वन आती है, एक्स की पावर वन और वाई की पावर वन, तो ये क्या बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने लिख दिया सपोज एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, यहां पर एक्स की पावर क्या है वन, y की पावर क्या है 1, तो क्या बनेगी स्ट्रेट लाइन। या सिर्फ ऐसा मिल गया x इक्वल टू 5, तब भी देखो x पावर क्या है 1, तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगी। या सिर्फ ऐसा मिल गया y इक्वल टू 2, तो ये भी क्या होगी स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपको किसी भी इक्वेशन आपको गिवन होगी, इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वेशन में से लिखा होगा, तो वहां पर आपको देखना है कि यहां पर x की पावर और y की पावर दोनों पावर 1 है या नहीं। अगर दोनों पावर 1 है तब भी स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर सिम आपका सिर्फ x के बन है y के बन नहीं है तब भी आपका स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर आपको y जीरो है x के बन है तब भी आपका होगा स्ट्रेट लाइन। तो कहने का सेंस ये है कि अगर x की पावर या y की पावर या दोनों की पावर वन है तो देन इट विल बी स्ट्रेट लाइन, या आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। अब डिपेंड करेगा ओरिजिन से पास होगी कि या नहीं होगी। अब मैं अगर यहाँ समझ लेता हूँ, अगर सपोज x इक्वल टू आपको मिल गया y, या फिर x प्लस y इक्वल टू मिल गया जीरो, ये मिल गया। अब आप देखिए आपको पता ओरिजिन पर x क्या होता है जीरो, y क्या होता है जीरो, आपने यहां पर जीरो पुट किया, यहां जीरो पुट किया, जीरो प्लस जीरो क्या होगा जीरो, तो क्या प्रूफ हो गया जीरो इक्वल जीरो प्रूफ हो गया, दैट लाइन विल पास फ्रॉम ओरिजिन। तो पता लग गया कि ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास होगी। अगर ऐसा मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू वन,
अब देखिए आपने पुट किया x, जीरो पुट किया तो ये जीरो आएगा, y पुट किया जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो क्या आएगा, जीरो का क्या बन के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो देन दिस लाइन कैन नॉट बी पास फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका मतलब ये कि ये लाइन आपके ओरिजिन से पास नहीं हो सकती। कहाँ से पास होगी, ये आपके देखो x क्या आपने x पुट किया जीरो, तो y क्या आएगा माइनस वन, तो y में आप ऐसा करके समझाता हूँ तो देख क्या आएगा, y आपका है माइनस वन, सपोज ये हो गया, और y पुट किया जीरो तो x क्या आएगा प्लस वन, तो प्लस वन आपका ही होगा। तो ये लाइन कहाँ से पास होगी, इस तरह आपकी लाइन ये पास हो जाएगी, ये लाइन आपकी यहाँ से पास हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब और कॉन्सेप्ट देखते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या आएगा, सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर आपको y की पावर 2 मिलती है और x पावर मिलती है 1, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा पैराबोला, ये आपका बनेगा पैराबोला। शॉर्ट टर्म पढ़ बताता हूँ आपको, वाई स्क्वायर अगर x के इक्वल है, या फिर एक्स स्क्वायर आपका y के इक्वल है, ठीक है, x पावर क्या आपकी 2, y की पावर क्या 1, तो ये क्या बनेगा पैराबोला। अब देखिए आपको ये तो पता होगा, अगर सिंगल पावर है तो x पे पैराबोला बनेगा, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे बनेगा, ओरिजिन से पास होगा। मैं समझाता हूँ एक बार, देखिए यहाँ पर देखिए आपको बने, अगर x स्क्वायर इक्वल टू सपोज y मिल गया, तो यहाँ x पावर क्या आपकी 2, y की पावर क्या 1, तो देन इट विल बी पैराबोला। तो ये समझो अगर आपको 2 वेरिएबल्स गिवन है x एंड y, अगर x की पावर 2 गिवन है एंड y की पावर 1 गिवन है, तो ये क्या बनेगा आपका पैराबोला, या फिर y की पावर 2 गिवन है x पावर 1 गिवन है, तब भी क्या बनेगा पैराबोला। तो यहाँ पर मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या आप देखेंगे, यहाँ पर y की पावर क्या है 1, और y पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव आपको दिख रहा है पॉजिटिव है, तो यह क्या बनेगा पॉजिटिव पे पास होगा, और ओरिजिन से पास क्यों होगा देख लेते हैं। देखिए ये आपका पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, देखिए y इस तरह पैराबोला बनेगा, देखिए आपका ठीक है, ये बन गया पैराबोला, देखिए तो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, देखिए y की पावर क्या है 1, तो ये आपका y पे बनेगा, y आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y पे बनेगा, और आपको पता है ओरिजिन पर x क्या होता है 0, y क्या होता है 0, यहां आप 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर 0, y क्या 0, 0 पर 0 आ रहा है, तो देन इट विल पास फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि ये आपका ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना हार्ड नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट थर्ड क्या आएगा, थर्ड आपका आएगा एलिप्स, ठीक है। एलिप्स में क्या देखना है आपको, एलिप्स में देखना है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स पावर क्या आ रही है 2, वाई की पावर भी क्या आ रही है 2, तो ये क्या बनेगा आपका, यहां पर आपका सर्कल या फिर एलिप्स बन सकता है। तो वहां पर चेक करना पड़ेगा कैसे अब एलिप्स कब बनेगा और सर्कल कब बनेगा। अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो इट विल बी सर्कल, अदरवाइज एलिप्स। अगर मैं एग्जांपल देखता हूं, सपोज मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1, तो यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब देखिए क्या चेक कर रहे हैं, यहां पर x पावर क्या है 2, y की पावर भी क्या है 2, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट। देखिए यहां पर दोनों डेटी क्या है, यहां 10 या 5, दोनों का डिनोमिनेटर का डिफरेंट है, तो ये क्या बनेगा एलिप्स बनेगा। कौन सी एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का डिनोमिनेटर क्या है ग्रेटर है, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है आपका एलिप्स उसी एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। और अगर यहां बात कर ले, अगर ऐसा मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन सपोज मिल गया आपको 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, एक्स की पावर क्या है 2, वाई की पावर भी क्या है 2, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है इक्वल। अब एक्स पावर भी 2 है, वाई की पावर भी 2 है, और दोनों डिनोमिनेटर क्या है इक्वल, देन इट विल बी सर्कल, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, ये सर्कल आपका यहां से बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया, सेकेंड पैराबोला के बारे में बताया, थर्ड आपका एलिप्स के बारे में, और इसी में आपका सर्कल के बारे में भी हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आपको जो मिलते हैं वो सर्कल सर्कल से मिल सकते हैं, सर्कल या फिर एलिप्स से मिल सकते हैं, ठीक है, या सर्कल या फिर आपके पैराबोला से मिलते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर्कल और एलिप्स वाले हैं, सर्कल और पैराबोला वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, थोड़ा सर्कल सर्कल वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। तो समझेंगे ध्यान से, अब
अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें किस तरह क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आप सेट रीजन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां से भी एक फर्स्ट क्वेश्चन में नोट कर लेता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, यहां पर है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व। आपको यहां पर एक प्रॉब्लम के बने समझेंगे ध्यान से, कर्व आपको के बने यहां पर बने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू फोर। यह आपको क्वेश्चन के बने समझे ध्यान से, आपको यहां पर सेडेड रीजन के बने और इसका आपको एरिया फाइंड करना है, तो समझेंगे ध्यान से बहुत ही। यहां पर क्या करना आपको वाई स्क्वायर, आप देखिए वाई की पावर यहां पर क्या है, वाई की पावर है टू, यहां पर आपको y की पावर क्या के बने टू के बने और x पावर क्या के बने वन, तो क्या बनेगा आपका पैराबोला बनेगा। पता लग गया आपको, अगर दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की पावर क्या है टू, एक की पावर है वन, तो देन इट विल बी पैराबोला। अब देखिए x की पावर क्या है सिंगल, तो कहां बनेगा x पर बनेगा, x क्या आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x x पर बनेगा और ओरिजिन से पास भी होगा। तो देख लेते हैं क्या होगा, देखिए यहां से आपका सेटेड जो रीजन होगा आपका इस तरह से हो जाएगा। देखिए आपका रीजन ये होगा x इक्वल टू वन, वन आपका सपोज x इक्वल टू वन आपका ये हो जाएगा और x इक्वल टू फोर आपका ये हो गया, सपोज x इक्वल टू फोर एंड x इक्वल टू वन, तो आपका ये रीजन आ गया, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है एंड x एक्सिस लिखा था, देखो अगर यहां पर कोई अगर हो इस क्वेश्चन में कोई भी क्वाड्रेंट वगैरह एक्सिस वगैरह नहीं लिखा हुआ है तो ये समझो आपको ये पूरा रीजन फाइंड करना है। अगर इसमें आपको x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो समझ जाओ आपको यहां पर मैंने कुछ लिखा नहीं देखिए, हालांकि इस क्वेश्चन में अगर यहां पर लिखा होता x एक्सिस तो आप सिर्फ ये वाला रीजन फाइंड करते सिर्फ ये वाला, और अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा है पूरा होल रीजन मैंने आपको लिखा नहीं है, ठीक है क्वेश्चन में, तो मुझे फाइंड करना शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सेटेड रीजन फाइंड करना, लिमिट क्या गिवन आपको 1 से 4 लिमिट गिवन है 1 से 4। अब देखिए रीजन किस पर, देखो लिमिट किसकी है x की, तो क्या आएगा dx, तो यहां पर आप लेंगे y dx, तो यहां से y इक्वल टू क्या आएगा आपका y इक्वल टू हो जाएगा रूट x, लिमिट आपको गिवन है 1 से 4, y इक्वल टू आपको हो जाएगा रूट x एंड dx, तो सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा। देखिए यहां से आपका 1 टू 4 लिमिट आपकी एज इट इज, तो यहां से आप रूट एक्स और डी एक्स आप थोड़ा सॉल्व करते हैं क्या आएगा, यहां से आएगा एक्स पावर आ जाएगा 3/2 और ये आपका जाएगा 2/3 और आप लिमिट पुट करेंगे 1 से 4, तो जहां भी एक्स की बने 4 पुट करेंगे आप 2/3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपने पुट किया 4 तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1 की पावर आपको हो जाएगा 3/2, क्या करते हैं आप अपर माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो आप से कर सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कैंसिल दिया आपका जाएगा 8, 8 माइनस बनाएगा 7, 7 टू जो 14/3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से सेटेड रीजन आप इस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां से अभी, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन देख लेता हूं यहां से, यहां पर क्या बना आपको स्टेटमेंट सेम रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व, आपको कर्व में बने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, ये गिवन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब जब प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, मैंने जो रीजन फाइंड किया है, कौन सा रीजन फाइंड किया होता है, तो एक बार मैंने इसमें आपको सिर्फ ये वाला रीजन फाइंड किया, ठीक है ये वाला बस। अगर आपको ये होल रीजन फाइंड करना है तो आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 के बने, y इक्वल टू 4 के बने। अब देखिए यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर x पावर क्या है 2, y की पावर क्या है 1। अब यहां पर पता लगेगा कि यहां पर x पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो क्या बनेगा आपका पैराबोला बनेगा। मैंने क्या बताया था सिंगल पावर किस पर है, y पर, तो y पर बनेगा, y आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, ओरिजिन से पास भी होगा, तो आप सेट रीजन
ड्रॉ कर लेंगे, यहां से देख के आएगा। तो आपका वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू टू, सपोज वाई इक्वल टू आपका ये हो गया वाई इक्वल टू टू, और ये आपको गया सपोज वाई इक्वल टू फोर, ये आपको गया वाई इक्वल टू फोर। और आपसे कह रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कौन सा रीजन होगा आपका, ये रीजन फाइंड करना आपको ये वाला बस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको स्ट्रिप कट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, वेजन सेगमेंट निकलेगा तेज। तो क्या करेंगे आप, डायरेक्ट लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, रीजन कहां से स्टार्ट है आपका टू से, एंड कहां पर फोर। अब लिमिट किसकी है इसमें, वाई की, तो यहां पर आएगा वाई का आएगा डी वाई। अगर लिमिट y की है तो dy आएगा, लिमिट x की है तो dx आएगा, और ये अगर dy है तो यहाँ पर क्या आएगा x, अपोजिट आता है x dy। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो x रूट क्या आएगा, 4 का रूट क्या होगा 2 और रूट y, ठीक है 2 रूट y ले सकते हैं आप इसे। तो लिमिट आपकी आएगी 2 से 4, ये आपका 2 आपका 12 आ जाएगा रूट y एंड dy। अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, y की पावर 3 बाई 2 एंड 2 बाई 3, और आपको लिमिट गिवन है 2 से 4, और यह आपका 2 आपका एज इट इज, यहां से 2 आपका एज इट इज और 2 बाई 3 भी आपका एज इट इज। आप पुट करेंगे 4, तो 4 का देखो 4 कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा 8 आ जाएगा, आ जाएगा 8 माइनस 2 की पावर क्या आएगा 3 बाई 2, दैट इज होगा 2 रूट 2। आप यहां से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 माइनस ये का 4 2 जा कहेगा 8 रूट 2 अपॉन कहेगा 3 स्क्वायर यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है 32 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 3। आप चाहो तो यहां से 8 कॉमन भी ले सकते हैं या ये छोड़ सकते हैं, ये भी दोनों ही करेक्ट है, ठीक है चलो। अब यहां से देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व। अब ये स्टेटमेंट सब में कॉमन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व। यहां सपोज के बने एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब आप यहां से चेक करें क्या बना, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर x की पावर क्या है आपका 2, y की पावर क्या आपकी 2। अब पता लगे अगर x की पावर 2 है और y की पावर 2 है तो क्या बनेगा, या तो सर्कल बनेगा या फिर इलिप्स बनेगा। फिर मैं आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता तभी आपका सर्कल बनता, लेकिन दोनों डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो देन इट विल मेक इलिप्स, आपका इलिप्स बनाएगा, ठीक है। तो यहां से आप डाल दो इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 16, तो ए इक्वल टू आपका जाएगा ए इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड बी इक्वल टू आपका आएगा प्लस माइनस 3। तो यहां से ए इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया, बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। तो आपकी जो मेजर एक्सेस होगी कौन सी एक्सेस होगी, एक्स एक्सेस पे। तो आपको पता लगेगा आपकी जो मेजर जो एक्सेस है वो आपकी कहां पर होगी, एक्स एक्सेस होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका ग्रेटर है। तो यहां से अगर मैं इलिप्स बनाता हूं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं कैसी इलिप्स बनेगी। तो आपकी जो इलिप्स होगी किस तरह से बनेगी, देखिए सपोज ये आपका हो जाएगा 4, कोऑर्डिनेट फिक्स करेंगे बाद में, आपका 4 हो गया दिस, ये आपका 3, तो यहां से इलिप्स बना लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ इलिप्स बनेगा, तो ये आपका होगा 4,0 और ये आपको जाएगा माइनस 4,0 और ये आपको होगा 0,3 एंड ये होगा आपका 0,-3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कहां से निकाले सीधे बता दूं, देखिए आपको देखिए यहां पता लग गया होगा ए इक्वल टू क्या है प्लस माइनस 4, ये क्या आपका मेजर एक्सेस होती है, ठीक है, ये आपका सेम ही मेजर एक्सेस होती है। तो ये आपका प्लस 4 माइनस 4 आपका एक्स एक्सेस होगा, प्लस माइनस 3 आपका वाई एक्सेस होगा, क्योंकि ये सेम ही माइनर एक्सेस शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको फाइंड करना है ये पूरा होल शेडेड रीजन फाइंड करना, अगर क्वाड्रेंट अगर लिखा हुआ है तो यहां पर लिखा नहीं कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आपको होल पार्ट फाइंड करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ आप एक पार्ट फाइंड करेंगे उससे आपका होल पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। ये शेडेड रीजन फाइंड करना, होल पार्ट ये फाइंड करना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
आपको इसमें स्ट्रिप भी कट करने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली स्ट्रिप को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए, तो यहां से क्या करेंगे आप, यहां से आप करेंगे देखिए सेट डिवीजन, आप यहां से लेंगे देखिए यहां ओरिजिन से लिमिट क्या हो जाएगी, ओरिजिन से आपके 4, आप ये देखिए आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन निकालूंगा, बस मुझे पता है जितना रीजन ये होगा उतने ही रीजन इन चार क्वाड्रेंट के इक्वल होगा, सीधी बात है चार को इक्वल है, तो जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट का है उतना ही सेकंड का होगा, उतना ही थर्ड का होगा, उतना ही फोर्थ का होगा, ठीक है। तो चारों ही क्वाड्रेंट का रीजन क्या होता है इसमें इक्वल होता है, तो आप एक क्वाड्रेंट का रीजन निकालेंगे और फोर से क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, फोर से मल्टीप्लाई आप लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड आप लेंगे शेडेड रीजन, ठीक है। तो लिमिट क्या होगी आपकी 0 to 4, अब लिमिट किसके लिए आपने x की, यहां पर क्या डी एक्स, तो यहां पर आपको हो जाएगा y dx, तो यहां से y फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां थोड़ा साइड में रेफर कर लेते हैं यहां पर, तो y इक्वल टू आएगा y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या लिखा आपने y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 आपका एज इट इज 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16। अब यहां से अगर आप सॉल्व करते क्या 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 16 आ जाएगा, और साथ में क्या करेगा 9 डिवाइड में कहां पर जाएगा मल्टीप्लाई में इनटू 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका जाएगा 9। अब सॉल्व अगर करते हैं वाई इक्वल टू क्या 3 का स्क्वायर क्या आएगा, देखो 3 का रूट लूंगा क्या 9 का रूट आएगा 3 और 16 रूट क्या 4, यह आपका 16 माइनस या कह सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से y इक्वल टू क्या आपका, यहां से y इक्वल टू आपका जाएगा लिमिट गिवन है 4 इंटू लिमिट 0 to 4, यहां पर आपका देखिए y इक्वल टू क्या निकला आपका, y इक्वल टू आपका निकल गया 3/4 रूट 4 माइनस 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और साथ में आपका 3/4 इसे निकाल लेते हैं बाहर 3/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से क्या करेंगे आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए आप सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से आपका 3 तो आपका एज इट इज, और यहां से अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो इंटीग्रेशन होता है एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 और यहां एक्स अपॉन आपका आ जाएगा 4 का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स, यहां से आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, 16/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहां से जाएगा अपॉन 4, और लिमिट क्या केवल लिमिट ले लेते हैं एक बार, लिमिट केवल है 0 से 4। तो देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है यहां से क्या होती है देखो एक्स अपॉन 2, यहां होता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यहां से क्या होता है ए स्क्वायर क्या आपका 4 का स्क्वायर 16, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये क्या आपका 4। अब आप लिमिट पुट करेंगे तो 3 आपका तो आएगा एज इट इज, अब आपने जहां भी एक्स 4 पुट किया तो 4 पुट करते ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 16 माइनस 16 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब आप पुट करके यहां पर 4, तो 4 अपॉन 4 क्या आएगा 1, अब साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 होता है साइन पाई बाई 2, साइन साइन कैंसिल किया गया पाई बाई 2, तो यह आपका 8 × 2, ये आपका जाएगा पाई बाई 2, फिर करेंगे माइनस, फिर आप पुट करेंगे 0, 0 पुट करते ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 पुट करते ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 लिख दिया 0, तो सॉल्व करने पे ये क्या जाएगा आपका यहां से 4 × 4 = 12, तो आपका 12π स्क्वायर यूनिट, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया 12π स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप इसका शेडेड रीजन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कोई बाहर का नहीं है, इसका नेक्स्ट पार्ट आप ट्राई करके देखिए आपसे आप इजीली हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यहां से कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द एक्स एक्सिस, यहां पर क्या बने एक्स इक्वल टू रूट 3y, एक्स इक्वल टू रूट 3y एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो आपको ये क्वेश्चन के बने समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन दम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, चल क्या रहा है क्वेश्चन देखिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, अगर एक्स की पावर क्या है 1, वाई की पावर क्या है 1,
तो देन इट विल मेक स्ट्रेट लाइन। आपको पता है अगर अगर एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 1 है तो ये क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये पता लग गया आपको। अब सेकंड क्या यहाँ लिखा हुआ सर्कल है, अच्छी बात है ठीक है। तो ये देखो सर आप स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगी, आपने एक्स इक्वल टू पुट किया 0, वाई पुट किया 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो देन इट विल पासिंग थ्रू फ्रॉम ओरिजिन, ये आपके ओरिजिन से पास होगी। ये सर्कल के बने, सर्कल का सेंटर क्या है इसका ओरिजिन, और रेडियस क्या है इसकी 2। ये आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। तो यहां से आप इसका सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, यहां से पहले आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, देखिए इस तरह सर्कल ड्रॉ कर लिया आपने, ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया ठीक है। अब सर्कल का सेंटर क्या है इसका ओरिजिन, और रेडियस क्या है इसके 2, तो ये लिखो 2,0, और ये आपको जाएगा -2,0, ये आपने ऐसे लिख दिया ठीक है। रेडियस है दोनों, ये रेडियस है, और ये लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, तो ओरिजिन से आपने इसे पास करा दिया, देखिए आपने इस लाइन को ओरिजिन से पास करा दिया। तो आपको क्या करना है, ये वाला सेंटर रीजन फाइंड करना है, ये वाला सेंटर रीजन। अब ये वाला सेंटर रीजन कैसे फाइंड करेंगे समझेंगे ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप समझेंगे, देखिए अगर मैं इसको देखो इसे ज्वाइन करता हूं, आप देखिए ध्यान समझेंगे ध्यान से, मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया यहां से, तो ये जो रीजन होगा ये रीजन आपका क्या होगा इस लाइन के अंडर में होगा, और ये जो रीजन होगा वो क्या होगा सर्कल के अंडर में आएगा, समझेंगे ध्यान से। ये आपका जो रीजन है वो है सर्कल के अंडर में, और ये जो रीजन होगा ये आपका होगा लाइन के अंडर में, ठीक है समझेंगे ध्यान से, लाइन के अंडर में। ये क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। तो यहां पर आपको निकालनी पड़ेगी लिमिट, आपको ये तो पता है ये क्या आपका ओरिजिन होता है 0,0, आपको ये लिमिट फाइंड करनी है। तो दोनों क्या निकाल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, तो यहां से क्या कर लो एक्स इक्वल टू के √3y इक्वेशन 1, सेकंड इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, आप करेंगे इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीन मेथड पढ़े थे, वहां से आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही निकालते हैं, मतलब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहां पर कि आपको एक्स किसके इक्वल है √3y के इक्वल है, आप √3y यहां पुट कर दीजिए, अगर आप √3y पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा √3 का स्क्वायर 3, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आएगा 3y स्क्वायर। मैं कर लेता हूं थोड़ा सॉल्व कोटिंग, आप लिख लो 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ऐसा क्यों कर रहे हैं बताया जाएगा आपको भी 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहां पर देखिए x इक्वल टू क्या बना आपको x इक्वल टू √3y, पुटिंग इन इन इक्वेशन 2, तो यहां से अगर मैं पुट करता हूं तो यहां से क्या आएगा आपको 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा 4। तो देखिए अगर आप इसे ऐड कर दे तो क्या आएगा, ये आपको जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल टू आपका जाएगा 4। अब सॉल्व करें तो y क्या आएगा प्लस माइनस 1 आपका आ जाएगा, प्लस माइनस 1, लेकिन आपको पता है ये जो पॉइंट फाइंड कर रहे हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है y ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो y क्या होगा सिर्फ आपका होगा y इक्वल टू प्लस 1। अब देखिए y इक्वल टू और प्लस 1 है तो यहां पुट करेंगे तो यहां से x इक्वल टू आएगा √3, ये पॉइंट क्या होगा ये पॉइंट आपका आएगा √3,1, ये कोऑर्डिनेट आपका आएगा √3,1 आपके आगे। तो यहां से अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहां से लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट ये हो जाएगी √3, 0 से √3, और √3 से क्या हो जाएगा 2। और आप देखेंगे ध्यान से ये जो रीजन है ये रीजन आपका लाइन के अंडर में है, तो लाइन के लिए लिमिट क्या हो जाएगी 0 से √3, और सर्कल के लिए हो जाएगा √3 से 2। तो यहां कर लेते हैं सेट रीजन के लिए, आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो यहां से क्या लिखेंगे देखिए आप लिमिट लिख लेंगे यहां पर 0 से √3 प्लस √3 से 2, ये पहले 2 और dx, और लिमिट क्या आपकी x की, तो यहां पर आएगा dx, और यहां भी क्या है आपका dx। अब यहां पर अगर देखो यहां dx है तो यहां पर क्या आएगा y dx आएगा, क्या आएगा y dx। तो स्ट्रेट लाइन में अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू हो जाएगा आपका x अपॉन √3, तो यहां पर आपको हो जाएगा x अपॉन √3, तो x अपॉन √3 आपका आ जाएगा बाहर प्लस। अब अगर यहां y इक्वल टू फाइंड करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 4 - x स्क्वायर,
फोर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो यहाँ से क्या वन अपॉन रूट थ्री तो आपका एज इट इज, तो यहाँ से क्या इसकी आइडेंटिटी खुलेगी तो क्या एक्स स्क्वायर अपॉन टू आपका हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे आप जीरो से रूट थ्री प्लस, यहाँ पर लिमिट आपके रहेगा जीरो से। यहाँ पर आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी आइडेंटिटी आपने, यहाँ पढ़ी थी आपने अभी थोड़ी देर पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से था आपका एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू रूट, यहाँ से करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेम ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, तो क्या ए आपका क्या टू, तो टू कैसे फोर ही रहेगा, फोर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका हो जाएगा टू, क्योंकि आप देखो फोर को ले सकते हैं आप टू का स्क्वायर, आप चाहो तो ले सकते हैं, पर फोर को ले सकते हैं टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख लिया हम लिमिट क्या बना आपको रूट थ्री से टू, तो क्या करेंगे आप देखिए जहां भी एक्स से पहले रूट थ्री पुट किया, रूट थ्री का स्क्वायर क्या है थ्री, तो ये क्या थ्री अपॉन टू, और यहाँ पर क्या बाहर क्या रूट थ्री, तो रूट थ्री क्या सॉल्व करने पर क्या रूट थ्री, और ये आपको हो जाएगा टू, रूट थ्री अपॉन टू हो जाएगा प्लस, जहां भी एक्स आप टू पुट करेंगे, टू पुट करने का क्या जाएगा ये पूरा पार्ट हो जाएगा जीरो, ये क्या जाएगा टू अपॉइंट टू क्या जाएगा वन, तो क्या आएगा फोर अपॉइंट टू, ये हो जाएगा टू और ये जाएगा पाई बाई टू, तो टू इंटू पाई बाई टू, टू इंटू पाई बाई टू माइनस, जहां भी एक्स आप रूट थ्री पुट करेंगे तो रूट थ्री पुट करेंगे, लेकिन यहां पर पुट किया रूट थ्री, तो यहां पर आपने ले लिया रूट थ्री अपॉन टू, यहां पुट किया रूट थ्री, तो क्या आएगा रूट थ्री का स्क्वायर क्या आएगा आपका रूट थ्री का, जब पहले आपने टू पुट कर देख लिया तो आंसर आ गया, रूट थ्री पुट किया रूट थ्री का स्क्वायर क्या आएगा थ्री, फोर माइनस थ्री क्या आएगा वन, ये एज इट इज आएगा माइनस फोर अपॉइंट टू आपका एज इट इज। अब देखो यहाँ पुट करूंगा रूट थ्री अपॉइंट टू, रूट थ्री अपॉइंट टू पुट किया, देखो यहाँ पर रूट थ्री पुट किया, तो रूट थ्री अपॉइंट टू क्या होता है साइन सिक्सटी, साइन सिक्सटी क्या होता है पाई बाई थ्री, ये आपको जाएगा पाई बाई थ्री। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आपका रूट थ्री अपॉइंट टू आपका एज इट इज प्लस टू से टू कैंसिल, ये आपका जाएगा पाई माइनस, ये आपका जाएगा रूट थ्री अपॉइंट टू, और यहाँ से क्या आएगा माइनस, इससे क्या हो जाएगा टू से टू कैंसिल, तो यहां से क्या होगा टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, देखो यहां पर रूट थ्री है क्या माइनस, ये प्लस कैंसिल पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा देखिए आपका पाई माइनस टू पाई अपॉन थ्री। अब यहां से अगर एलसीएम लेता हूं तो क्या थ्री पाई माइनस टू पाई, तो क्या आएगा पाई बाई थ्री, ये आपको जाएगा स्क्वायर यूनिट, इस तरह से उसका सेट डिवीजन क्या आ गया इसका पाई बाई थ्री स्क्वायर यूनिट, ये आपका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए अब यहां से एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आए फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू, के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फोर डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट, डिवाइड डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट्स बाई लाइन एक्स इक्वल टू ए। अब देखिए आपको पता है यहां पर एक्स इक्वल टू क्या के बने, वाई स्क्वायर के बने, पर आपको ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि अगर आपको एक्स की पावर टू या वाई की पावर वन मिलती है या फिर y की पावर 2 या x पावर 1 मिलती है, तो ऐसे केस में अगर दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल पे 2 पावर है एक पे 1 पावर है, तो देन इट विल मेक पैराबोला, ये आपका पैराबोला बनाएगा, ठीक है। अब ये कराएगी और यहां पर कहां तक लिमिट के बने, 4 तक लिमिट के बने, और अगर डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स बाई x इक्वल टू ए, भी समझाऊंगा ध्यान से, पहले पैराबोला बना लेते हैं यहां से, ये आपका बन गया ऐसा, सपोज पैराबोला ऐसा बन गया, सपोज ऐसा बना लिया, ठीक है। यहां पर क्या आपका x इक्वल टू फोर, सपोज आपका ये हो गया, ये होगा आपको होगा x इक्वल टू फोर, और ये आपका सपोज होगा x इक्वल टू ए, तो यहां पर आप क्या हो जाएगा x इक्वल टू ए आपका ये हो गया, तो ये कह रहा है कि इस पार्ट का एरिया, फर्स्ट पार्ट का एरिया और सेकंड पार्ट इस पूरे का एरिया क्या होगा इक्वल है, ये क्वेश्चन कह रहा था। ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि आपने इस पैराबोला को कहां से ब्रेक किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दोबारा समझाते हैं एक बार ध्यान से। ये कह रहा है कि ये आपको पैराबोला के बने फाइनल लिमिट क्या है इसकी 4, और x इक्वल टू ए से ये टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ये आपका सपोज ये फर्स्ट पार्ट हो गया ये वाला, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, तो ये कह रहा फर्स्ट पार्ट का एरिया
और सेकंड पार्ट का एरिया क्या है, इक्वल है, तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, ये आपसे कह रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप यहां से लिमिट लेंगे, आप लिमिट यहां से क्या करेंगे 0 टू ए, फिर क्या लिखेंगे ए टू 4, दोनों का आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां से क्या, देखिए एरिया ऑफ, अगर आप निकालते हैं यहां से लिमिट क्या होगी 0 टू ए, अब लिमिट क्या है इसकी x की, तो क्या आएगा वाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट आप लेंगे ए टू 4, लिमिट x की तो क्या आएगा वाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहां से y की वैल्यू आपकी हो जाएगी रूट एक्स, आप यहां पुट कर देंगे, लिमिट आपकी है 0 टू a, ये आपका हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट ए टू 4 रूट एक्स एंड डी एक्स, यहां से आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या है आपका, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और ये आपका जाएगा 2/3, लिमिट के बने आपको 0 टू ए इक्वल टू सेम यहां से क्या है 2/3 एक्स की पावर 3/2 और यहां पर आपको लिमिट के बने ए टू 4। अब ये 2/3 दोनों क्या रहा, कॉमन आ रहा है, कट जाएगा, ठीक है। पहले यहां ए पुट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, अगर आपने ए पुट किया तो यहां से आएगा ए की पावर 3/2 बार आपका 2/3 आपका एज इट इज माइनस 0, क्योंकि आप लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए 0 हो जाएगा इक्वल टू, पहले आप पुट करेंगे यहां से इक्वल टू आपका 2/3, फिर आप पुट करेंगे 4, तो 4 की पावर देखिए 2/3 क्या होता है, देखो आपको 4 की पावर 3/2 करेंगे तो ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर दिया जाएगा 8, ये आपको हो जाएगा 8 माइनस ए की पावर ये हो जाएगा 3/2, यहां से 2/3 से 2/3 क्या हो जाएगा कैंसिल, अब इसको उठा के दल लेंगे क्या 2 × ए की पावर, ये आपको हो जाएगा 2 × ए की पावर 3/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 8, और 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं आपसे, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहां से क्या जाएगा आपका हो जाएगा 4, तो ए की पावर 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 4। अब आप यहां से क्या लिखे पावर को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यह जाएगा उल्टी पहुंचेगा, तो 4 की पावर क्या जाएगा 2/3, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई ए इक्वल टू 4 की पावर 2/3, ये करेक्ट है। आपने इस लाइन देखो, आपने इस पैराबोला को कहां से ब्रेक किया है, जो इक्वल पार्ट ब्रेक किया 4 की पावर 2/3 से आपने ब्रेक किया, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो नेक्स्ट क्या है, यहां पर भी कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व की बने, आपको यहां पर आपको फर्स्ट कर्व की बने वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू के बने मॉडुलस एक्स, आपको ये दो कर्व के बने इनका शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है उसका एरिया क्या होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर y की पावर क्या है सिंगल, x और क्या डबल, क्या बनेगा पैराबोला बनेगा, y पे बनेगा और पॉजिटिव होगा क्योंकि सिंगल पावर है, तो पैराबोला बना लेते हैं। देखिए ध्यान से यहां से कुछ ऐसा, तो आपने यहां से ऐसा कुछ पैराबोला बना लिया, देखिए ये आपने पैराबोला बना लिया। अब यहां पर क्या बना वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स, और आपको पता है मॉडुलस में क्या होता है दो वैल्यू देता है, एक आपका पॉजिटिव एक्स एक आपका नेगेटिव एक्स, आपको पता है इफ एक्स इज पॉजिटिव x is greater than equal to 0 होगा तो होगा, if x less than 0 अगर x क्या 0 से less है तो negative देगा, otherwise positive, यहाँ पर y क्या आपका positive x के equal भी है और negative x के equal भी है, और आप बता अगर y आपका x के equal है तो कहाँ से पास होगा origin से, y अगर minus x के पास है तो ये भी origin से होगा, लेकिन क्या होगा left में, कर लेते हैं यहाँ से कुछ, आपने ये line draw कर ली, एक आपने ये line draw कर ली suppose, ये दो दो लाइन होगी, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन होगी, देखिए फर्स्ट आपकी और ये आपकी होगी सेकंड, इस तरह से ये होगी, ठीक है। तो आपको ये सेट रीजन फाइंड करना, ये वाला ये आपको सेट रीजन फाइंड करना, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। आपको पता हालांकि फिगर ये एग्जैक्ट नहीं बना है लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है, आपको ये पूरा सेट रीजन फाइंड करना। आपको पता है जितना सेट रीजन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही रीजन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको दोनों का रीजन निकालने की नीड नहीं है, सिर्फ आप एक का रीजन निकालेंगे और टू से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसका निकालना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो आप समझेंगे ध्यान से, मैं इसे यहां से ज्वाइन कर लेता हूं, इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए ये जो रीजन है, ये रीजन और ये रीजन
शेडेड और अनशेडेड दोनों रीजन किसके अंडर में है, लाइन के अंडर में है। अगर आपको बताइए अनशेडेड वाला किसके अंडर में आ रहा है, पैराबोला के अंडर में आ रहा है। तो रीजन ऊपर किसका है, लाइन का, नीचे किसका है, पैराबोला का। अगर आप लाइन के रीजन में से पैराबोला का रीजन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देन आपका सेड रीजन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो यहां पर कितना है, आप पहले कर लेंगे फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट निकाले। सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आपकी लाइन y इक्वल टू x है और ये आपके y इक्वल टू क्या, आपके माइनस x लाइन है आपकी, ठीक है। ये आपकी लाइन है y इक्वल टू माइनस x और ये आपके y इक्वल टू प्लस x, x है, देखिए। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू x कहां पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे आप। तो इसे लिख लो यहां पर, पुटिंग y इक्वल टू x इन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पुट कर देंगे। तो यहां से क्या आएगा, y किसके इक्वल है, x के, तो यहां से क्या आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो। कॉमन क्या रहा आपका, x कॉमन ले लिया, तो यहां से आएगा वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो x क्या हो जाएगा आपका, एक तो जीरो हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा वन। और आपको पता है वहां पर x तो जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो कौन सा है, जीरो आपका ये वाला जीरो है, x जीरो और y जीरो वाला। तो यहां पर x क्या आ गया, वन। x अगर वन है तो y भी क्या होगा, वन। अब रीजन निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये रीजन निकालना, लिमिट क्या होगी आपको, लिमिट देखिए, ये लिमिट हो जाएगी वन कॉमा जीरो। तो लिमिट क्या होगी, जीरो से वन। आप यहां से करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो यहां से क्या देखो, टू से मल्टीप्लाई पहले से करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर आप करेंगे लिमिट जीरो टू वन, तो यहां से करेंगे लिमिट, आप देखो क्या करेंगे, लाइन, तो लाइन माइनस पैराबोला, तो लाइन क्या आएगी, वाई डी एक्स माइनस, लिमिट सेम रहेगी जीरो टू वन। तो यहां पर क्या देखो, ये क्या आप लिख सकते हैं, लाइन वाई डी एक्स, और यहां लिख दो पैराबोला शॉर्ट में पी ए आर, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या टू से मल्टीप्लाई दोनों साथ है ये, ठीक है, इस तरह से। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, टू से मल्टीप्लाई आपकी एज इट इज, लिमिट आपकी जीरो टू वन। तो वहां से मैं फाइंड करूंगा लाइन से, आपको पता वाई किसके इक्वल है एक्स के, तो एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स हो जाएगा अपना। ये आपको जाएगा एक्स डी एक्स माइनस, लिमिट आपकी रहेगी जीरो टू वन। अब देखिए यहां पैराबोला में y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लेते हैं यहां पर, पैराबोला में आपका y इक्वल टू हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर, या पाएगा x स्क्वायर डी एक्स। तो यहां से इंटीग्रेशन करूं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट आपको क्या बने जीरो से वन, माइनस यहां से आपका आ जाएगा x पावर थ्री अपॉन थ्री, लिमिट के बना आपको जीरो टू वन, टू से मल्टीप्लाई आपके एज इट इज, ठीक है, ये आपका जाएगा टू, आपका एज इट इज वन पुट करेंगे क्या आएगा वन पॉइंट टू, ये आपका जाएगा वन पॉइंट टू, जीरो पे जीरो हो जाएगा माइनस, ये आपका जाएगा वन पॉइंट थ्री। अब सॉल्व करने का थ्री, थ्री बन जाए थ्री, टू बन जाए टू, तो क्या आएगा थ्री माइनस टू क्या आएगा वन, तो ये आपका जाएगा वन अपॉइंट सिक्स, तो क्या आएगा टू अपॉइंट सिक्स, वन अपॉइंट थ्री स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से क्या कर लिया आपने, इसका शेडेड रीजन बहुत इजीली आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। ये रीजन आपने दोनों का रीजन फाइंड कर, टू से टू करके इस तरह आपने बहुत ही इजीली शेडेड रीजन फाइंड कर लिया। तो देखो शेडेड रीजन फाइंड करना कोई हार्ड काम नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्व को समझना, कि कर्व में बनाना क्या है हमें, कि पैराबोला बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, सर्कल बनेगा, एलिप्स बनेगा, ठीक है, ये क्या बनना, क्या कौन सा कर्व बन रहा है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चन को फिर ये समझ लिया, आपसे कुछ भी दिक्कत करने वाले क्वेश्चन नहीं है फिर तो, ये समझो छोटे क्वेश्चन निकालने वाले क्वेश्चन है भैया। अब यहां से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूं यहां पर, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यहां पर एक कर्व के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 10 क्वेश्चन लिख लेता हूं पर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बारे में आपको फोर वाई, एंड एंड लाइन के बने आपको लाइन इक्वल टू एक्स इक्वल टू फोर वाई माइनस टू। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि देखो इतने सारे क्वेश्चन करा दिए वो इंपॉर्टेंट इतने नहीं बोले, हालांकि अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप देखिए ये पता लग गया एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, फोर वाई के इक्वल है, एक्स की पावर क्या आ रही है यहाँ पर टू, वाई की पावर क्या आ रही है आपकी टू, तो क्या बनेगा ये आपका बनेगा पैराबोला, एक्स पावर क्या है वन, वाई की पावर क्या है वन, तो ये क्या बनेगा आपकी स्ट्रेट लाइन। क्या ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, नहीं होगी, कहाँ से पास होगी नहीं पता है, तो क्या करें पहले आप एक काम है पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, आप आपने ड्रॉ कर लिया पैराबोला, कहां पर बनेगा वाई एक्स बनेगा, पॉजिटिव बनेगा ओरिजिन से पास होगा, आपने ड्रॉ कर लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, ये आपने कर लिया ड्रॉ, ठीक है, तो यहां से आपने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करेंगे, ये लाइन कहां से पास हो रही है नहीं पता है, तो आप एक काम कर लो यहां से लिख लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, इसे डाल दो इक्वेशन वन, एक्स इक्वल टू ये आपका जो फोर वाई माइनस टू, ये आपको जाएगा इक्वेशन टू। आप यहां से क्या कर लेंगे, आप फाइंड करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अब देखिए एक्स किसके इक्वल है फोर वाई माइनस टू के, कहां पुट कर देंगे आप यहां पुट कर देंगे, ठीक है, तो आप लेंगे फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो यहां से देख जाएगा आप पोटिंग करेंगे, पोटिंग पोटिंग एक्स इक्वल टू फोर वाई माइनस टू, पोटिंग एक्स इक्वल टू फोर वाई माइनस टू इन वन, तो यहां पर जहां भी एक्स से क्या पुट कर दिया फोर वाई माइनस टू पुट कर दिया इन वन में, तो क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो आप आएगा फोर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पर क्या होगा फोर वाई इक्वल टू फोर वाई, तो आइडेंटिटी खोलेंगे क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई इक्वल टू फोर वाई, तो यहां से क्या आएगा देखिए आपका ये सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा सिक्सटीन वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वाई और ये आपका प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो यहां से फोर कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपका ये आ जाएगा फोर वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। आपने पढ़ा स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा हुआ टेंथ क्लास में, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका फोर आना चाहिए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए आपका फाइव, तो क्या लेना फोर बन जाए फोर माइनस का फोर माइनस का फाइव आपका हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा इसे, तो आप इसे कर लेंगे फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो फोर कॉमन आ रहा है तो यहां से आप कहेगा वाई माइनस वन ये आपका हो जाएगा, ठीक है, आपने फोर वाई कॉमन ले लिया तो यहां से कहेगा वाई माइनस वन और नेगेटिव कॉमन लेंगे तो यहां से आपका आएगा वाई माइनस वन, ठीक है, यहां से कॉमन ले लिया आपने फोर वाई, नेगेटिव वन कॉमन लेते यहाँ क्या देखिए यहां से आपने देखा यहां पर क्या आपका वाई माइनस देखो फोर वाई माइनस वन, एक सेकेंड यहां से कर लेते हैं, अगर मैं कॉमन लेता हूं इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा सही रहेगा, देखो फोर वाई ये आपका है माइनस फोर वाई, अब इन दोनों में कॉमन क्या आप करेंगे, इन दोनों कॉमन आपका ना सिर्फ वाई, तो आपसे करेंगे फोर वाई माइनस वन, यहां से आपने क्या कर लिया यहां से आपने कॉमन ले लिया, एक सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से, और यहां पर आपका माइनस फोर माइनस वाई प्लस वन लास्ट में, यहां पर आपका प्लस वन है आपका, ठीक प्लस वन कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां से आपने कॉमन क्या ले लिया आपने फोर वाई कॉमन ले लिया, क्या फोर वाई माइनस वन, यहां से आपने कॉमन ले लिया माइनस वन, तो यहां पर आएगा ये आ जाएगा प्लस वन, तो फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आएगा आपका सॉल्व करने पे क्या आएगा, एक तो वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा वन और एक आपका वाई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आपका एक वाई इक्वल टू क्या हो गया वन हो गया और एक क्या हो जाएगा वन बाई फोर, तो यहां से ये पता लगेगा कि इस लाइन ने कहां का टच किया है y इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू वन पॉइंट फोर पर टच किया, थोड़ा देख लेते हैं कहां टच किया हुआ, देखो अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करता हूं तो ये कह रहा है कि इस लाइन ने यहां से अगर मैं ड्रॉ करता हूं इस तरह से देखिए ऐसा कुछ रीजन आएगा ये वाला ये रीजन आएगा, ठीक है ये रीजन, अब देखिए यहां पर पता करते हैं थोड़ा सा वाई क्या आपका वाई पहले के बने, एक सेकेंड कौन सा देख लिया वाई इक्वल टू आपका है वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन पुट करेंगे आप देखिए y इक्वल टू आपने वन पुट कर दिया सबको यहाँ पुट किया y इक्वल टू वन, तो x क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा आपका टू,
एक्स टू आपका सपोज आपका हो गया एक्स इक्वल टू टू हो गया, ये देखिए ये आपको जाएगा एक्स इक्वल टू टू, ये आपको जाएगा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू टू ये होगा आपका, ठीक है। अब देखिए दोबारा में y क्या आपका 1 अपॉन 4 है, y 1 अपॉन 4 पुट करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस वन, तो x आपका हो जाएगा माइनस वन, तो ये आपका पॉइंट हो गया माइनस वन और y क्या आपका 1 अपॉन 4 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। यहां से आपका ये निकल गया माइनस वन, आपको ये रीजन निकालना, देखिए ये रीजन। अब आप इसे यहां से ज्वाइन कर लिए इस तरह से, एक सेकंड थोड़ा यहां से ज्वाइन करते हैं, आपने ये देखो ये रीजन आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। आपको इस शेडेड रीजन निकालना है तो क्या करेंगे आप, अगर आपको पता है ये पूरा रीजन क्या है, ये पूरा रीजन है लाइन के अंडर में, देखो शेडेड वाला और अनशेडेड वाला पूरा रीजन किसके अंडर में, लाइन के अंडर में, लेकिन अनशेडेड वाला रीजन किसके अंडर में, पैराबोला के अंडर में, लिमिट क्या होगी माइनस वन से प्लस टू, तो आप यहां से कर लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन तो लिमिट क्या गिवन है आपको, लिमिट गिवन है माइनस वन से प्लस टू आपको लिमिट गिवन है, और आपको पता ऊपर क्या रहा लाइन, लिमिट किसकी है एक्स किसके आएगा वाई डी एक्स, यहां लिख दो आप लाइन माइनस, लिमिट आप लेंगे माइनस वन से प्लस टू वाई डी एक्स, और आप यहां पर लेंगे पैराबोला पी आर लिख दो शॉर्ट बस, तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं लिमिट क्या गिवन है आपको माइनस वन से गिवन है प्लस टू। अब देखिए लाइन में y इक्वल टू क्या आएगा, देखिए लाइन में y इक्वल टू आपका हो जाएगा, लाइन में आपका y इक्वल टू हो जाएगा, एक सेकंड स्टार्टिंग से देख लेते हैं, लाइन में y इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस टू अपॉन फोर, ठीक है। सॉल्व करूंगा क्या आएगा x प्लस टू अपॉन फोर, x प्लस टू अपॉन फोर आपने ले लिया बाहर कॉमन, बाहर निकाल दिया, फिर आप करेंगे माइनस, लिमिट आपकी है वन से टू, यहां पर लिख दिया dx, यहां पर dx के माइनस वन से प्लस टू। अब यहां पर क्या आएगा वाई इक्वल टू क्या आएगा, देखिए इसमें आपका वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, यहां भी आएगा फोर आ जाएगा बाहर कॉमन, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक सेकंड एक्स स्क्वायर अपॉन फोर और डी एक्स, आप इसे कर देंगे इंटीग्रेशन और आपका सेट रीजन निकल जाएगा। तो वन अपॉन फोर तो कॉमन इसे बाहर छोड़ देते हैं, ये बाहर आ जाएगा, तो यहां से आप आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस इसका हो जाएगा टू एक्स, लिमिट की बना आपको वन से माइनस वन से प्लस टू माइनस, तो यहाँ पर आपका आएगा एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री, लिमिट आपको हो जाएगी माइनस वन से प्लस टू, ठीक है। अब क्या करेंगे जहाँ भी एक्स से टू पुट कर दीजिए, वन अपॉन फोर तो बाहर कॉमन आ गया सभी के, देखो तो यहाँ से क्या जाएगा, आपने टू पुट किया, टू पुट करने पर क्या आएगा फोर, फोर अपॉन टू क्या जाएगा टू, आपने टू पुट किया टू टू जो क्या फोर या प्लस फोर, क्या करेंगे माइनस, आपने माइनस वन पुट किया तो माइनस वन का होल स्क्वायर क्या आएगा प्लस वन अपॉन टू, आपने यहाँ पुट किया माइनस वन तो माइनस ऑलरेडी माइनस बीच माइनस भी है माइनस वन हो जाएगा प्लस टू, ठीक है। माइनस आपने पहले पुट किया टू तो टू का क्यू क्या आएगा एट अपॉन थ्री माइनस, और यहाँ से आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन अपॉन थ्री। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा, देखिए यहाँ से अब सॉल्व करते क्या, देखिए यहाँ पर क्या आपका टू प्लस फोर सिक्स प्लस टू क्या हो जाएगा एट, एट में से अगर मैं हाफ माइनस हो जाएगा फिफ्टीन बाई टू सेवन एंड हाफ हो जाएगा, तो वन अपॉन फोर आपका एज इट इज, ये आपका जाएगा फिफ्टीन बाई टू, और यहाँ से आपका माइनस आपने थ्री ले लिया एलसीएम तो क्या नाइन बाई थ्री तो क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं क्या आएगा, देखिए यहाँ से सॉल्व करने पर ये आपका जाएगा फिफ्टीन अपॉन एट माइनस थ्री अपॉन ये आपका हो जाएगा फोर, ठीक है। ये आपका ये हो गया इस तरह से। अब देखो हालांकि ये फोर दोनों के ही मल्टीप्लाई बाहर, ठीक है, एक काम कर लेते हैं फोर की इंटू नहीं करते, ठीक है, फोर की मल्टीप्लाई क्योंकि फोर दोनों कॉमन में था, आप फोर को छोड़ दीजिए बाहर, तो अंदर आपका आएगा फिफ्टीन बाई टू, फिफ्टीन बाई टू माइनस थ्री तो क्या आएगा यहाँ थ्री टू जो सिक्स, तो यहाँ से आपका नाइन बाई टू हो जाएगा, नाइन बाई टू, तो यहाँ से आपका सोलह करने का आंसर आएगा नाइन बाई एट स्क्वायर यूनिट, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करके देखें से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें नेक्स्ट, अब देखते हैं डबल रीजन वाले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से देख लेता हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर करें यूजिंग, आपको क्या करना है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द टू सर्कल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर। यहाँ पर फर्स्ट हाफ सर्कल के बने हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, और एंड सेकेंड सर्कल के बने आपको एंड एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू के बना आपको फोर। यहाँ पर दो सर्कल के बने, फर्स्ट सर्कल क्या है जिसका सेंटर क्या आपका ओरिजिन और रेडियस क्या है इसकी टू, सेकेंड सर्कल के बन है जिसका सेंटर क्या है इसका टू कॉमा जीरो और रेडियस क्या है इसकी भी टू है। तो यहां से आपको शेडेड रीजन निकालना, पहले एक काम कर लेते हैं, पहले यहां से सर्कल बना लेते हैं। पहले देखिए आपने फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन और रेडियस क्या है टू। एक सेकंड दोबारा क्लियर सही से, यार फर्स्ट सर्कल ड्रॉ कर लिया सेंटर क्या है इसका ओरिजिन रेडियस टू, सेकंड सर्कल किया सेंटर क्या है इसका जिसका सेंटर है टू कॉमा जीरो, ठीक है सेंटर आपका हो जाएगा टू कॉमा जीरो। एक काम कर ले टू को वन कर लीजिए, ठीक है क्योंकि वन से ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है टू कर लिया। तो अब देखिए यहां से इसका समझिए ध्यान से, इस सर्कल का सेंटर क्या है इसका ओरिजिन रेडियस क्या है इसके टू, सेकेंड सर्कल का सेंटर क्या है इसका वन। देखिए यहां पर इस तरह पास हो रहा है, यहां पर इसका सेंटर हो जाएगा एक सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या के बना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर टू सर्कल्स के बने, तो ये कह रहा फर्स्ट क्या कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फर्स्ट सर्कल के बने आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एंड एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर। अब देखिए आप दो सर्कल के बने, फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या आपका ओरिजिन रेडियस क्या है इसकी फोर, सेकेंड सर्कल का सेंटर क्या आपका टू कॉमा जीरो और रेडियस क्या है इसकी भी टू है, ठीक है दोनों सर्कल की रेडियस सेम है। तो यहां से मैं थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ क्या बनेगा, देखिए ठीक है फर्स्ट सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, यहां से सपोज जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, देख फर्स्ट सर्कल हो गया, सेकेंड सर्कल आपका है यहाँ पर, सेकेंड सर्कल का सेंटर क्या है टू कॉमा जीरो, थोड़ा और इसे ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए सेकेंड सर्कल होगा थोड़ा, ठीक है इस तरह से सेकेंड सर्कल अपन ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ये आपका सेकेंड सर्कल होगा, ठीक है इस तरह सेकेंड सर्कल है, ऐसे कर लेते हैं ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए आपको ये सेट रीजन फाइंड करना है, सेट रीजन ये सेट रीजन फाइंड करना, ठीक है समझेंगे ध्यान से, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, देखो ध्यान से समझेंगे। इसका सेंटर है आपका 2.0 और इसका सेंटर है आपका 0.0 और आपको ये सेट रीजन फाइंड करना है, समझेंगे ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करें आप पहले से आप ज्वाइन कर लीजिए स्टेज, देखिए समझाने के लिए समझे ध्यान से, यहाँ से मैं फाइंड करूँगा सेट रीजन, आप देखो समझेंगे ध्यान, ये जो रीजन होगा ये सेट रीजन होगा, ये आपका होगा सेकेंड इस सर्कल के अंडर में, इसे सेकेंड सर्कल कर लीजिए, और ये जो रीजन होगा आपका ये आपका आएगा फर्स्ट सर्कल के अंडर में, ये आपका है फर्स्ट सर्कल, ठीक है। तो अब आपको इस शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप जीरो से लिमिट कैसे चेक करेंगे, लिमिट पता लगे आपको जीरो से टू टोटल लिमिट है, तो पहले आप फाइंड करेंगे इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखिए यहां से आप क्या करेंगे, आपको क्या बने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फोर के इक्वल है और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी फोर के इक्वल है, तो क्या करेंगे आप फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इक्वल रख दीजिए, फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका दोनों इक्वल रखेंगे आप, तो यहां से करेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करने का आएगा आपका एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज, यह आपका जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यह आपका जाएगा फोर एक्स, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको हो जाएगा वन, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हुए जहां से शिफ्ट करूंगा तो एक्स क्या हो जाएगा आपका वन, एक्स अगर वन है अब देखिए यहां से पता लगेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये क्या होगा आपका वन, एक्स आपका अगर वन है आप यहां पर पुट करेंगे तो पुट करने पे एक्स वन पुट किया तो क्या आएगा वन माइनस फोर माइनस वन थ्री तो रूट थ्री, तो आएगा वन कॉमा रूट थ्री,
तो हालांकि वाई से आपको कोई लेन देना नहीं है, तो लिमिट क्या होगी आपकी, ये जो लिमिट है यहाँ से यहाँ तक लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, ये लिमिट हो जाएगी, इधर लिख देता हूँ 0 से √3,0 लिमिट हो जाएगी आपकी, √3 x तो बने ना आपका, तो ये आपका 1,0 एक्स आपका गया 1, तो 1,0 तो 0 से 1 अगर लेता हूँ, 0 से 1 का जो रीजन है वो किसके अंदर में, सेकंड सर्कल के अंदर में, 1 से 2 का जो रीजन है वो क्या है आपका फर्स्ट सर्कल के अंदर में, दोनों का कर देंगे प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जितना रीजन आपका एक्स एक्सिस के अबव है उतना क्या होगा बिलो द एक्स एक्सिस भी है, तो आप करेंगे शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेट रीजन, तो यहां से क्या है लिमिट आप लेंगे 0 से 1 y dx, या आपका सेकंड सर्कल लिख दिया मैंने y dx, प्लस 1 से 2 ये आपका क्या y, ये सेकंड लिख दिया, पहले फर्स्ट ये आपका लिख देंगे फर्स्ट और dx, तो यहां से क्या लिखें आप सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, लिमिट आपकी आएगी 0 टू 1 y dx, तो फर्स्ट सर्कल में देख लेते हैं यहां से, तो ये क्या आपका पहली बार हमारा सेकंड सर्कल, तो सेकंड सर्कल में y इक्वल टू क्या आएगा देखिए, सेकेंड सर्कल में आपका y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू 4 − x − 2 का होल स्क्वायर, तो यहां से आएगा 4 माइनस तो 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx प्लस, और यहां से लिखेंगे आप 2 से 4 1 से 2 1 से 2 लिखेंगे आप, तो यहां से क्या आएगा रूट 4 माइनस x स्क्वायर इंटू dx, ये आपने लिया, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो यहां से क्या होता है यहां से होता है x अपॉन 2, तो यहां से आएगा x माइनस 2 अपॉन 2, तो x अपॉन 2, यहां से फिर आपका रूट 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ये आपने लिख दिया, प्लस साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x माइनस 2 अपॉन 2, ये आपने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, लिमिट क्या गिवन आपको, लिमिट गिवन है 0 से 1 प्लस, फिर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे सेम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे सेम, बस यहाँ पर जहाँ भी x माइनस 2 है x पुट कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे, और आप इसमें जो आंसर निकलेगा इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना रीजन आपका x एक्सिस के अबव है उतना आपका x एक्सिस के बिलो भी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, डबल रीजन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करें, ठीक है इसमें कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए आपसे हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ पर सपोज ऐसा क्वेश्चन मिल गया आपको, यहाँ पर कि बने आपको फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व, यहाँ पर कि बने आपको रीजन के बन एक्स कॉमा वाई सच दैट, यहाँ पर आपको गिवन है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट आपको गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर आपका 9, ये करा है यूजिंग इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना शेडेड रीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अब यहाँ पर स्क्वायर देखो यहाँ पर क्या है लेस देन इक्वल टू आ गया, बस इसका मतलब रीजन आपका अंडर, हालांकि अंडर रीजन ही पढ़ रहे हैं सारा हम, ठीक है बस ये इनक्वालिटी आपको थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा लगता है कि हार्ड है, थोड़ा हार्ड नहीं है, आप इक्वालिटी समझो थोड़ी देर के लिए से, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, नेक्स्ट आपका है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, ये क्या बन रहा आपका पैराबोला बनेगा, ये आपका बनेगा सर्कल, तो यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ पर आप पैरोला अगर बनाते हैं तो आपको पता है पैरोला कहाँ बनेगा एक्स एक्स बनेगा पॉजिटिव बनेगा ओरिजिन से पास होगा, तो ये आपका आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आपका जाएगा 4x। अब जब सर्कल की अगर बात करें सर्कल कैसा बनेगा यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर 4 से डिवाइड करते पूरे को, तो इस सर्कल का सेंटर क्या है इसका ओरिजिन रेडियस क्या है 3/2, तो आप ड्रॉ करेंगे सर्कल ऐसा ड्रॉ कर लिया सर्कल आप, तो ये ड्रॉ कर लिया आपने सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या आपका ओरिजिन और रेडियस क्या है इसके 3/2, आप यहां से निकालेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे आप इसे ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से, अब देखिए सेम
आप बताए ये जो रीजन होगा ये किसके अंडर में आएगा, ये आपका आएगा पैराबोला के अंडर में, और ये जो रीजन होगा ये किसके अंडर में आएगा, ये आपका आएगा सर्कल के अंडर में। तो आप निकालेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कुछ भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत ही खत्म क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, इक्वेशन वन डाल दीजिए आप इसे, सेकेंड इक्वेशन आपकी आएगी फोर, यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री पॉइंट टू का होल स्क्वायर, आपसे कर लीजिए इक्वेशन टू। अब देखिए वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, फोर एक्स के इक्वल है, यहाँ फोर एक्स पुट कर दीजिए, तो फोर आप लिखे फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहां से क्या करेंगे, देखिए आप फोर इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए वाई स्क्वायर आपका फोर एक्स के इक्वल है, तो आप यहां पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, पुटिंग वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स इन इन इक्वेशन टू। तो यहां से क्या आपको देखो एक्स स्क्वायर तो आपको एज इट इज, वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका फोर एक्स इक्वल टू ये आएगा नाइन अपॉन फोर, आप फोर से मल्टीप्लाई करने जाएगा आपका फोर एक्स स्क्वायर, ये आपका सिक्सटीन एक्स और ये आपका माइनस नाइन और इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब देखो मल्टीप्लाई करते हो क्या आना चाहिए आपका थर्टी सिक्स माइनस का, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए आपका सिक्सटीन। तो आप होता लास्ट और सी नेगेटिव है तो एक फैक्टर का पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या कर लो एटीन टू जो क्या होता है आपका एटीन टू जो क्या होता है थर्टी सिक्स, तो एटीन ले लो आप प्लस का और टू एक्स ले लो आप माइनस का और माइनस नाइन आपका एज इट इज। तो यहाँ से क्या कॉमन क्या रहा आपका, देखो टू कॉमन आएगा और एक्स कॉमन आएगा, डिवाइड कर दे क्या टू एक्स प्लस नाइन, यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लिया तो क्या आएगा टू एक्स प्लस नाइन, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा यहाँ वन ले लिया तो क्या आएगा यहाँ से एक्स इक्वल टू एक तो आपका आएगा नाइन बाई टू माइनस का, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉसिबल नहीं है, तो एक सेकंड क्या आएगा टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक एक्स आपका आ जाएगा वन बाई टू। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वन बाई टू पॉसिबल है, तो यहाँ से अगर पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देखिए यहाँ से क्या आएगा एक सेकंड देख लेते हैं, यहाँ से आपका एक्स क्या निकला आपका वन बाई टू, एक्स अगर आपका वन बाई टू है तो यहाँ पुट कर दिया एक्स वन बाई टू पुट किया, तो यहाँ से क्या आपका टू, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट टू, तो ये आपका गया वन बाई टू कॉमा रूट टू, तो यहाँ से इसकी लिमिट क्या होगी, यहाँ इसकी लिमिट हो जाएगी वन बाई टू कॉमा जीरो। अब देखिए वन बाई टू जीरो से वन बाई टू, जीरो से वन बाई टू किसके अंडर में आ रहा है पैराबोला के अंडर में, वन बाई टू से ये इसकी रेडियस क्या आपके थ्री बाई टू कॉमा जीरो, ये आपका आ रहा है सर्कल के अंडर में, तो लिमिट लो आप जीरो से वन बाई टू और वन बाई टू से थ्री बाई टू। आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आप लिमिट लेंगे जीरो से वन बाई टू वाई डी एक्स, यहां आप लेंगे पैराबोला प्लस वन बाई टू से थ्री बाई टू, और यहां लिखेंगे वाई डी एक्स और यहां पर लिखेंगे आप सर्कल सर्कल। तो आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा लिमिट जीरो से वन बाई टू, और यहाँ से वाई इक्वल टू क्या आएगा आपका, वाई इक्वल टू आपका देख लेते हैं क्या आएगा आपका, वाई इक्वल टू आएगा टू रूट एक्स, ये आपका जाएगा टू आपका बाहर आ गया रूट एक्स डी एक्स प्लस वन बाई टू से वन, यहाँ से वाई इक्वल टू क्या आएगा देखिए वाई इक्वल टू देख लेते हैं यहाँ से वाई इक्वल टू आएगा थ्री अपॉइंट टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका रूट के अंदर इंटू डी एक्स और लिमिट आपकी क्या बने थ्री बाई टू। तो यहां से क्या करें आप इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा यहां से आएगा एक्स पावर थ्री बाई टू और ये जाएगा टू बाई थ्री, ये टू आपका एज इट इज, ठीक है ये टू क्यों लिया है पता लगेगा, देखो एक बार देख ले टू क्यों लिया, देखिए टू इसलिए देखो जितना रीजन इस एक्सिस के एबव है उतना क्या डाउन भी है, तो टू से आपने मल्टीप्लाई इसलिए किया है, तो एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ से टू आपका ये जो टू है आपका एजवार रहेगा माइनस लिमिट आपके वन है जीरो से वन बाई टू प्लस, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपने इसकी आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ी है क्या होती है एक्स अपॉन टू
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसमें आप लिमिट पुट कर देंगे और आपका यहाँ से करेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझो आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपको डबल रीजन वाले हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया, मैंने देखो क्या क्या बने इसमें, इसमें आपको देखो क्या क्या बने, यहाँ पर इसमें आपको सर्कल और पैराबोला भी बने, सर्कल सर्कल वाला भी क्वेश्चन कराया है। तो ये समझो आपके जो एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका सर्कल सर्कल से आ सकता है, सर्कल पैराबोला से आ सकता है, या फिर आपका सर्कल और लाइन से आ सकता है। ठीक है, तो ये समझो आपको सिंगल रीजन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, आप उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें, वहां से बहुत कम चांसेस हैं आपके क्वेश्चन आने के। डबल रीजन वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको डबल रीजन वाला है, क्योंकि इसमें आपका दो कर्व है, एक आपका सर्कल भी है, एक आपका पैराबोला भी है। ठीक है, तो जिनमें दो कर्व जो होते हैं, ठीक है, डबल कर्व से जो सेट रीजन बनता है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो केयरफुली अच्छे से प्रैक्टिस करें, और आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक सिंगल सिंगल पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और आपको लग रहा है फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कैसा कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें, इसे कवर करने के बाद आप डेफिनेटली बोर्ड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।